हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट चैप्टर से हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये जो प्रीवियस इयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको सोल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सभी क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2020 में हो, चाहे 2019 में हो, या फिर 2018 में हो, सभी क्वेश्चंस में कराऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। कोई प्राइम नंबर होता है उसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं? अब ये तुमको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर आर द नंबर्स दे हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं उनको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये प्राइम नंबर के फैक्टर्स की बात कर रहा है कि टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर होते हैं, तो वो है अपना टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, तो फैक्टर का मतलब ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 5 उनसे भी डिवाइड हो जाता है। कोई भी प्राइम नंबर हो वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। ये अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन है एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है 12, 21 और 15 तीनों। तो देखो 12 के लिए अगर तुम प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 से किया 2 से किया 3 और 3 से किया 4। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स होता है 2 का स्क्वायर इनटू 3 की पावर 2 का स्क्वायर इनटू 3 की पावर 1। ऐसे ही 21 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये आएगा 3 की पावर 1 इनटू 7 की पावर 1। ठीक है, और अगर तुम 15 का करोगे तो ये 3 की पावर 1 इनटू 5 की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता रखा है कि एलसीएफ अगर फाइंड करेंगे तो एलसीएफ में कॉमन वाली बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों में किसकी पावर है? 3 की पावर 3 नंबर्स में है या कोई और ऐसा नंबर है जिसकी 3 है पावर तीनों में? नहीं है, थ्री कॉमन है। तो एचसीएफ में अपन कॉमन लेंगे 3 लेंगे और एच का मन मीन्स हाइएस्ट होता है, पावर अपन यहाँ लोएस्ट लेंगे। तो यहाँ जो 3 की पावर लेंगे यहाँ देखो तीनों वनी है, तो हाइएस्ट लोएस वनी हो जाएगी, तो एचसीएफ हो गया इसका 3। जब अपन बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम में सभी नंबर्स की पावर लेंगे, सभी नंबर मतलब 2 की भी पावर आएगी, 3 की भी आएगी, 7 की भी आएगी और 5 की भी आएगी, सभी नंबर्स की पावर्स आएगी। ठीक है, तो पावर कैसी आएगी? एल मीन्स होता है लोएस्ट, पावर लेंगे अपन हाईएस्ट। पावर कैसे लेंगे? हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की 1 और 7 की भी 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से 12 हो गया और 12 मल्टीप्लाई हो गया अपना 35। तो ये 12 5 से 60, 6 से ही हो गया 12 3 से 36 और 6 420 इसका आ गया एलसीएम। तो एचसीएम अपना आया था 3 और 420 आया इसका एलसीएम, तो अपना ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, एक बार और देख सकते हैं इसको जल्दी से। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ के लिए अपन वो देखेंगे कॉमन तीनों में, तीनों में कॉमन है 3 की पावर, तो अपन 3 की पावर लेंगे और पावर लेंगे लोएस्ट, एच मीन्स हाइएस्ट होता है लेकिन पावर लेंगे लोएस्ट। तो तीनों की वन ही है, हाइएस्ट होगा तो दोनों वनिंग होगी और ये 3 की पावर 1 आ गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो सभी की पावर्स लेंगे, 2 की भी, 3 की भी, 7 की भी, 5 की भी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे। अब देखो 2.35 इज एन इंटीजर डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर ए नेचुरल। अब ये जो 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है ये इंटीजर है या डेसिमल नंबर है या इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है? तो देखो ध्यान से 2.35 देखो 3 टाइप के डेसिमल एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, ओनली 3 टाइप के डेसिमल एक्सटेंशन होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में कैसे नंबर आते हैं, जिसका डेसिमल एक्सटेंशन से टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसमें कैसे डेसिमल एक्सटेंशन आते हैं, जिसमें उस सेम ब्लॉक बार 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 रिपीट होता जाता है, ये आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। थर्ड टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकरिंग हो रहा है, जैसे 5.34, 3.44, 3.44, कोई सेम चीज रिपीट भी नहीं हो रही और आगे डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये दोनों है रेशनल नंबर, कौन से नंबर के डेसिमल एक्सटेंशन है, रेशनल नंबर के, और जो लास्ट वाला है वो है इररेशनल नंबर। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सटेंशन है 2.35 के ऊपर मान लगाया हुआ है, इसका मतलब है 2.35, 3.5, 3.5, 3.5 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिव बट रिकरिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये अपना आएगा ए रेशनल नंबर, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, सो दैट 5+√3 इज एन इररेशनल नंबर, रूट 3 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, ये अपने को गिवन है, और 5+√3 को इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2018 में देख लो या 2019 में देख लो या 2020 में देख लो, ये क्वेश्चन हर साल आया है, ठीक है, और 2020 में भी देख लेना, इस ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का 2021 में भी आएगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, बेसिकली वो मेथड क्या होता है कि अपन जो प्रूफ करना होता है उसका उल्टा लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा अपन सॉल्यूशन करते हैं तो पता चलता है आगे जाके कि अपन ने वो मान के गलत किया। देखो रेशनल नंबर प्रूफ करना है 5+√3 को, इसका उल्टा लेके चलेंगे, ये मानेंगे कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो इसको p / q मतलब a / b की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब a और b इंटीजर्स है, तो अब देखो इसमें क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो ये जो 5 था राइट साइड में ये आ गया इधर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी राइट हैंड साइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 5 a / b - 5 बन गया, यहाँ पे b लिया अपन ने LCM, LCM लेंगे तो ये 8 - 5 b आएगा ऊपर और फिर ये 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन बन गई अपनी √3 = a - 5b / 2b। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि एक साइड में अपने को ओनली √3 छोड़ना है, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ √5 है तो ओनली √5 बचना चाहिए एक साइड, ठीक है। अच्छा ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देख लेते हैं, अब ये जो √3 है वो क्वेश्चन में दे रखा है इररेशनल नंबर है, और ये जो बना ये एक इररेशनल नंबर है, अब इररेशनल नंबर क्यों है कैसे वो बता देता हूँ मैं आपको, a और b क्या है, अपने a और b इंटीजर्स है, अब a और b अगर इंटीजर्स है तो a और b की कोई भी वैल्यू ले लो इंटीजर्स में, ये वाली साइड में हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, 5.2 कुछ नहीं करो लेकिन रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इररेशनल, ये इररेशनल है, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये नो रिजल्ट आया अपना, वो किस वजह से आया, क्योंकि अपन ने इसको रेशनल मान लिया था, सो अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, अजूम कर लिया था इसको रेशनल, तो वो इसका मतलब अपना अजम्पशन रॉन्ग है, इसी वजह से अपना ये रोम आया है, तो उससे पता चलता है, फिर अपन इसको सीधा करके बोलेंगे 5+√3 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, जरूर कर लीजिए। तो फिर कल अपन देखेंगे 2020
2019 से जो क्वेश्चन आए हैं रियल फर्स्ट वाले चैप्टर से, ठीक है, और फिर देखेंगे 2018 से आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं भी और अच्छे अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेकर। थैंक यू वेरी मच।